आज बनाएंगे फ्रेंड्स नवरात्रि स्पेशल कन्या पूजन के लिए चना मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो वीडियो, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति साहू, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। आज हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कन्या पूजन के लिए चना मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ये पीले चना लिए हुए हैं, ये काले वाले जो चना होते हैं वो लिए हैं। उनको मैंने रात भर इस तरह के पानी में गलने के लिए छोड़ दिया था और सुबह मैंने इनको पानी को निकाल दिया है। जिस पानी में मैंने गलाए थे उस पानी को मैंने निकाल दिया है और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल के तैयार हो गए हैं। अब मैंने दूसरा यहाँ पर पानी रखा है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और एक से डेढ़ यहाँ पे मैंने तेज पत्ता डाला है फ्रेंड्स। ये छोटा तेज पत्ता था इसलिए मैंने डेढ़ डाला है और इनको अच्छे से मिला के और कुकर की लीड लगा के सीटी ले ली है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे नमक डाल देंगे तो आपके जो चना इस तरीके से सॉफ्ट हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे, थोड़े से मिर्च में मठासे रह जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इतने सॉफ्ट आपके भी सोख होके अच्छे से गल जाएं तो आप नमक को स्किप कर दीजिए, उबलते समय नमक नहीं डालना है। अब आप देख सकते हैं हमारे चना को मैंने निकाल लिया है, इनको उस पानी में से ड्रेन आउट नहीं करना है। उस पानी को हम सब्जी में बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने आधे चना यहाँ पे निकाल लिए हैं एक प्लेट में और पीछे की प्लेट के जो रहता है उससे मैं उनको दबा के थोड़ा सा उनको दबा ले रही हूँ आधे चने को, और आधे मेरे उसी पानी में ही मैंने अभी छोड़ रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आधे चने उबाल के और इस तरीके से दबा के उनको अलग रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए हैं और एक पिंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब मैंने मिक्सी का जाल लिया है और इसमें दोनों टमाटर को, मिर्ची को और अदरक को रफली चॉप करके यहाँ पे हम कट करके डाल देंगे। यदि आप ये कन्या पूजन के लिए या भोग प्रसादी के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक प्याज और चार से पाँच लहसुन की कली भी ले सकते हैं और उनको भी डाल सकते हैं यहाँ पे पीसने में ही। तो इस तरीके से हम एक टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और हमारा टमाटर का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। आप बिना भोग प्रसादी के बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लहसुन प्याज यदि यूज करना चाहते हैं तो आप इसी में लहसुन प्याज भी पीस लीजिए। अब मैंने यहाँ पे बड़ा चम्मच भर के तेल रखा है, उसमें एक तेज पत्ता डाला है, चार से पाँच काली मिर्च, दो तीन लौंग, एक इलायची और आधा इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, जीरे डाले, हींग डाली है, सरसों डाली है और ये मैंने खड़े गरम मसाले सभी को चटकने दिया है। इसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको पकाना है। मीडियम टू फ्लेम पर हमें इसको पकाते हुए जाना है फ्रेंड्स, इसको आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले हमारे तेज हो जाते हैं और सही से वो सिक नहीं पाते हैं। जो सब्जी में अच्छी खुशबू आती है वो आप मीडियम लो फ्लेम पर ही आप मसालों को सेकिएगा इस तरीके से। अब हमारा मसाला सिक गया है, तेल से प्रेट होने लगा है, तो मैंने यहाँ पे एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल दी है, डेढ़ चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, दो चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। हल्दी हमने पहले भी डाल रखी है तो आप इस बात का ध्यान रख के यहाँ पे हल्दी डालिएगा। और मैंने अब थोड़ा सा चलाने के बाद मसालों को, इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पे, मैंने वही जो जिसमें हमने चने उबाले थे वही पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसालों को सेकने के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। एक चौथाई चम्मच यहाँ पे हमें गरम मसाला डालना है। आप लाल मिर्च पाउडर का, मिर्ची का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें चलाते हुए मसालों को सेकना है और आपको इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स कि ये सब्जी बनाते हुए मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने गैस की फ्लेम को लो किया, इसके बाद हमने यहाँ पे दो चम्मच भर के दही डाला है जिससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़कर आता है। तो इसने यहाँ पे दो चम्मच फ्रेश दही डाला है, ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हमने इसको दो तीन मिनट और चलाया और इसके बाद हमने जो दबा के चने रखे हुए थे उन चनों को यहाँ पर हम डाल देंगे। इस तरह आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी जो ग्रेवी होती है वो भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स, और चने भी अच्छे से। अब हमने पानी निकाल के अलग बर्तन में रख लिया है और नीचे जो चने थे
जिनको हमने दबाया नहीं था अब वो भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और 2 से 3 मिनट तक फ्रेंड्स इसको इसी तरीके से हमें गर्म करना है, इसको चलाते हुए जाना है। यदि आप चाहते हैं तो आप बस इसी कंसिस्टेंसी में सिर्फ फ्रेश हरा धनिया और नमक डालकर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है अभी, और अब मैंने नमक डाला है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने नमक नहीं डाला था। और अब आप इसमें फ्रेश धनिया डालकर इसको आप बिहारी स्टाइल, जिसमें बिहार में इसी तरीके से काले चने की सब्जी बनाई जाती है, तो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। या फिर मैं इसको लिक्विड बनाऊंगी थोड़ा सा, तो इसमें मैंने जो इस पानी में मैंने निकाल लिया था चने का, वही पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। यदि आप चने का पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी दूसरा उबाल लीजिए, आप गर्म पानी ही इसमें ऐड कीजिए, तो इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बना रहता है गर्म पानी से, और सब्जी में बहुत जल्दी से उबाल आ जाता है। सब्जी को अब आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए और ढक कर, अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, दोनों हाथों से मैश करके उस कसूरी मेथी को डाल दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम थोड़ा सा काला चना मसाला जो रहता है, चना मसाला आता है फ्रेंड्स मार्केट में, वो मैंने यहाँ पे डाला है टेस्ट के लिए 1/4 चम्मच। और इसमें फिर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर इस सब्जी को पकाया है, तो इतना अच्छा फ्लेवर और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनी है फ्रेंड्स। पूड़ी से, पराठे से, आप जिससे चाहे उससे आप इसको एंजॉय कीजिए। अब आप देख रहे हैं इसकी बनने के बाद क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैंने यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और एक सर्विंग बाउल में मैं इसको सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये, हमने इसमें आलू का भी यूज़ नहीं किया है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी थिक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको पूड़ी से, पराठे से, रोटी से, जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप पूड़ी से इसको आप बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग सब्जी है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।